ठीक है कोई नहीं। और अंकुश तुम्हारा दूसरा दोस्त कौन है? दूसरा नहीं है दोस्त? देखो सब लोग, जो लोग अभी आए हैं वही सबलाइम टैक्स एडिटर डाउनलोड फॉर विंडो करना है, तो मैंने कॉपी किया, चैट में लिंक सेंड कर रहा हूँ, इसको ओपन करके डाउनलोड कर लें, ये डाउनलोड फॉर विंडो। फिर आप लोग कहाँ जाओगे? ये देखो डाउनलोड हो गया होगा मेरा, बाकी लोग डाउनलोड कर लें। और फिर इसको इंस्टॉलेशन करना सिखा देता हूँ, इंस्टॉल कैसे करोगे आप लोग। देखो इस पर क्लिक करोगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर, यस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल सिंपल सा, देखो बस नेक्स्ट इंस्टॉल करना है, अपने आप हो जाएगा। देखो जो हो रहा है इंस्टॉल, ये तो मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में बोल दिया था ना कि सब लोग सबलाइम टैक्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। इस फ्रेश कर दिया, जी अभी आपको शो हो जाएगा स्क्रीन पर, हो गया सबका। आप बताएं सारे लोग इंस्टॉल कर लिए सारे लोगों ने? बाकी लोगों ने हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं सब लोग। देखो तो अब हमें क्या सीखना है, वेबसाइट डिजाइन करना। तो सारे लोग सब लैपटॉप पर आए ना, क्योंकि तो बैच के एंड में, बैच में कितने देख रहे हैं, 24, 24, 23 मान लो, कम से कम 15 या 16 लोगों के तो स्क्रीनशॉट की फोटो आनी चाहिए। आज जो हम काम करेंगे ना उसका आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड करोगे, जिससे ये कंफर्म होगा कितने बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, जिनका नहीं आएगा उनसे मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, भाई आपने क्यों नहीं भेजा, एक बार देखूंगा, दो बार देखूंगा, तीन बार नहीं आया तो मैं मना कर दूंगा मैं आपको। ठीक है चलो, क्योंकि देखो अगर आप साथ में काम नहीं करोगे ना तो आप सीख नहीं पाओगे। अब डेस्कटॉप पर सब लोग आ जाएं, सब लोग डेस्कटॉप पर आ जाओ। डेस्कटॉप पर आप लोगों का डेस्कटॉप होगा ना, वहां पे आके सब बनाओ एक फोल्डर वेब डिजाइनिंग नाम से। डेस्कटॉप पे सब एक नया, हाँ जी बोलो बोलो। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है चलो, ओके ओके चलो। आप सब देखो यहाँ पे सब लोग डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लो वेब डिजाइनिंग के नाम से, सब लोग एक नया फोल्डर। अब उसको फोल्डर को ओपन कर लो, सब लोग डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लो, डेस्कटॉप पर सब एक नया फोल्डर, फोल्डर का नाम होगा वेब डिजाइनिंग, डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर बनेंगे दो फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर हमारे बनेंगे दो फोल्डर। एक फोल्डर होगा सीएसएस के नाम से, CSS, और एक फोल्डर होगा इमेज नाम से। आप सबको मेरी स्क्रीन शो रही है? आप सबको मेरी स्क्रीन शो रही है? हेलो को ठीक है, इतना काम सब लोग कर लो। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनेगा वेब डिजाइनिंग, उसके अंदर दो फोल्डर बनेंगे CSS और इमेज। स्क्रीन शो हो रही होगी मेरी, आप लोगों को देख सकते हैं। डेस्कटॉप पर सब लोग एक नया फोल्डर बना लें, सब लोग डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर वेब डिजाइनिंग, उसको ओपन करके उसके अंदर बनेंगे दो फोल्डर CSS और इमेज। इतना काम हो जाए तो सब बता दें मुझे, बाकी और लोगों का, बाकी और भी तो बोले भाई शांत शांत क्यों है, हो गया ना। देखो अगर आप लोग, अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे ना तो मैं क्या समझूंगा कि सिर्फ अकेला एक ही बंदे का हुआ है, और फिर जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो ये पीछे से बोलेगा सर मेरा नहीं हुआ है ना। तो इसलिए अगर नहीं हुआ हो तो बोल दोगे सर नहीं हुआ, रुको तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि तो क्लास आपके अकॉर्डिंग ही चलेगी। जब बोल दोगे सर ओके हो गया तब मैं आगे बढ़ूंगा, ये नहीं कि मुझे, मैं तो कोर्स खत्म करना है, कोर्स वाला काम ही नहीं है, यहाँ आपको सीखना है। चलो इतना हमने काम रेडी कर लिया, आज हम क्या कर रहे हैं, पूरा सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे
देखो सर्च होता है नीचे सबके मैं बताऊंगा, टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे आप सिंपल सर्च करोगे सबलाइम, देखो मेरे बारे में लिखा हुआ सबलाइम टेक्स्ट, आप भी जब सर्च करोगे तो आपके में भी आएगा सबलाइम टेक्स्ट, इस पे आप क्लिक कर लो। क्लिक कर लिए सबने, तो इस तरीके से आप लोगों को ओपन हो रहा होगा, कुछ हो रहा है सबका, सबलम हो गया। चलो तो फाइल फिर बता रहा हूं, नीचे सर्च में जाओगे, लिखोगे सबलाइम, देखो बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूं, इसने कभी काम नहीं किया इसलिए बिल्कुल बेसिक सिखाता हूं। एक चीज सिंपल सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लो और यहां पे जाओगे फाइल पर। देखो अब हमें क्या करना है, अपना डिजाइनिंग वाला जो फोल्डर है ना, वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर, उस फोल्डर को हमें सबलाइम पर सिलेक्ट फोल्डर करना है, सेटअप करना है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे फाइल, देखो जी फाइल है, फाइल, फाइल पे सब क्लिक करें और ओपन फोल्डर कर लो। फाइल पे जैसे क्लिक करोगे तो ओपन फोल्डर आता है, इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में डेस्कटॉप वाला आइकन आता है, आता सबका डेस्कटॉप का आइकन आ गया डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना, देखो जा रहा है डेस्कटॉप वाला, इस पर क्लिक करना है सारे लोग, क्लिक करोगे तो दिख रहा है वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर, इस पर क्लिक कर लो और सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लो, कर लिया। हाँ फिर से सुन लो एक बार सब लोग, फाइल पे क्लिक करना है, ओपन फोल्डर करना है, ऐसे साइड में ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप का, ये इस डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो और फिर ये आपका फोल्डर होगा वेब डिजाइनिंग का जो आपने बनाया है, इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। और वेब डिजाइनिंग पे क्लिक कर लोगे और सिलेक्ट फोल्डर कर लो तो इस तरीके से आप लोगों को ओपन हो जाएगा। देखो ये वेब डिजाइनिंग, CSS और इमेज, तो हमने अपना फोल्डर सबलाइम पे ओपन कर दिया। अब बाकी लोग बताएं, इतना काम हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, हो गया ना, ठीक है। चलो अब देखो ऐसे आवाज आ जाती है तो लगता है कि आप कर लिए, और क्या फील आता है कि हम ऑनलाइन नहीं, एक तरह का ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप में से एक चीज़ और, आप में से किसी बच्चे को अगर ऑफलाइन पढ़ना है ना, किसी के मन है कि नहीं हम ऑफलाइन पढ़ना आगे, तो सुबह 8 बजे क्लास चलती है, 8 से 9, 8 से 9:30 तो चलती है दस्तर रेगुलर ऑफिस में, जिसका मन हो ऑफिस आके पढ़ना चाहता हो तो 8 से 9:30 बजे क्लास चलती है ऑफिस में सेम, ठीक है। तो आप आ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो इतना हमने सेटअप, 8 दुकान पर 34 दर्पण कॉलोनी 8 दुकान, ठीक है। चलो और जिसको ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ो, वैसे तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, आने जाने टाइम बच जाता है, ऑफलाइन तो उनके लिए कर रखा है जो आसपास में रहते हैं पास में। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, एक बनानी होगी फाइल। अब देखो आप जो भी फाइल बनाओगे ना, वो फाइल किससे सेव होगी, .html से, ठीक है। हम जो भी फाइल बनाए, देखो बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, इसमें टेंथ वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कभी कोडिंग नहीं की वो भी पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से आप ये मत सोचना कि कुछ और सर चल रहा है, कि कहीं बीच में सर ने चालू तो नहीं कर दिया। देखो आपके सामने फोल्डर बना, आपके सामने इंस्टॉल किया, आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब बनानी है मुझे एक फाइल, है ना। अब फाइल कैसे बनाना है, अब देखो फाइल किसके अंदर बनानी है, वेब डिजाइनिंग फोल्डर के अंदर। तो आप लोग फाइल यहाँ से जाकर नहीं बनाओगे, न्यू फाइल यहाँ से नहीं करना कुछ भी, हमें जो फाइल क्रिएट करनी है वो वेब डिजाइनिंग वाले फोल्डर में करनी है। तो अब वेब डिजाइनिंग वाले फोल्डर पर राइट क्लिक करोगे, देखो न्यू फाइल का ऑप्शन आता है, हमने क्या किया वेब डिजाइनिंग वाले फोल्डर पर राइट क्लिक किया और न्यू फाइल पर क्लिक किया। आप लोग करें इतना काम, वेब डिजाइनिंग वाले फोल्डर पर राइट क्लिक करो और न्यू फाइल करो, ये बंद मत करना, ये बंद हो जाता है, देखो ये एरो से ऐसे बंद होता है ना, इसको ओपन भी कर लेना ऐसे, तो राइट क्लिक करो, ऐसे राइट क्लिक करोगे तो न्यू फाइल, और फाइल पे क्लिक कर दो, फाइल पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे फाइल का कोई नाम तो नहीं आ रहा ना, है ना, यहाँ फाइल कोई नाम ही नहीं आ रहा। अब फाइल को हम सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल एस करके, पता है ना सबको, कंट्रोल एस। देखो जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा, देखो यहाँ पे, तो देखो मेरे फोल्डर का नाम आ रहा है ऊपर, देखो वेब डिजाइनिंग, इसी के अंदर तो मुझे फाइल सेव करनी है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a.html, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है कुछ भी, मगर आप इसको सेव किससे करोगे, .html से, ठीक है। देखो लिखा मैंने a.html, आप लोग करें और सेव कर देना इतना,
है ना। फिर से देखो, अब मुझे फाइल बनानी है किसके अंदर, वेब डिजाइनिंग के अंदर। जो भी आप फाइल सब बनाओगे ना वो वेब डिजाइनिंग के अंदर बनाओगे। तो मैंने वेब डिजाइनिंग को जाके राइट क्लिक किया, न्यू फाइल किया, फिर फाइल को सेव किया कंट्रोल एस से, नाम दे दिया v.html और सेव कर दिया। अब देखो जैसे आपकी फाइल सेव होगी ना यहाँ पे दिखेंगी, अगर आपकी फाइल यहाँ पे ना दिखे ना तो आप समझ जाना कि आपने फाइलें कहीं और जाके सेव कर दी। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि वेब डिजाइनिंग पर राइट क्लिक करना, ठीक है, और यहाँ पे फाइल सेव करना। करो आप लोग फाइलें सेव कर दो, करके देखे फाइल सब लोग कर दो सेव। वेब डिजाइनिंग पर राइट क्लिक करना है। हाँ सारी फाइल वेब के अंदर ही सेव होंगी, यहाँ पे देखेंगे वेब डिजाइनिंग हमारा मेन फोल्डर है ना, हो गया किसी। हाँ हाँ दोनों फाइल सारी फाइल आपको यहीं दिखेंगी, अगर यहाँ आपको फाइल ना दिखें तो समझ जाना कि पंगा हो रहा है। चलो ऐसा कोई बंदा जिसका इतना काम नहीं हुआ हो तो पूछ लो, देखो पूछ सकते हो, मैं वेर वे कह रहा हूँ, आप ये मत समझो कि मैं कुछ कहूँ। अब देखो यहाँ पे चलते हैं अपन इस जगह पर, तो हमारी फाइल बन गई, ठीक है। अब फाइल पे क्लिक करते हैं हम, किसी भी एक फाइल पे मैंने क्लिक किया, अब हम लिखते हैं HTML का सिंटैक्स, ठीक है। अभी से मैं क्या करवा रहा हूँ सेटअप, ठीक है। अब हमें लिखना होगा HTML का सिंटैक्स क्या होता है। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, लेस देन का साइन लगाया, सिंपल लिखा HTML, देखो मैं इतना लिखा ना सिंपल सा, देखो अपने पाने लगा नीचे आ रहा है, और मैं एंटर दे देना है, एंटर दे दो। फिर समझा रहा हूँ, सिंपल से लिखना है HTML, इतना लिखोगे ना और एंटर दे दो, लो ऐसे तो करें, सिंपल लिखना लेस देन HTML, इतना लिखना है और एंटर देना है, इतना आपका आगे सेंटर लिखा हुआ मगे लूंगा और लू आ गया ना। कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेना सर, एक बार बता दो कोई दिक्कत नहीं है, दो बार बताऊंगा दस बार बताऊंगा, चुपचाप मत बैठो बस। चलो अब इतना आ गया, अब मैं देखो अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ H1 टैग लगा के, कुछ भी अभी ऐसे चेक कर रहा हूँ, देखा हेलो, H1 टैग को बंद कर दिया, ठीक। अब देखो इतना लिख लिया मैंने, क्या लिखा बॉडी के अंदर H1 टैग है ना, H1 टैग हेडिंग टैग होते हैं, बस सिंपल से अभी समझाऊंगा। तो अब मुझे ये ब्राउजर पर रन करना है, सब समझाऊंगा परेशान नहीं होना, अभी सिर्फ सेटअप कर रहा है, अब सोचो अरे जिक्स ने क्या करा दिया, इतना लिखा मैंने। अब देखो मुझे ये ब्राउजर पर रन करना है ना, डिजाइनिंग कहाँ दिखेगी आपकी, ब्राउजर पे है ना, वेब पेज कहाँ दिखेंगे, ब्राउजर पे। तो ये मुझे ब्राउजर पर रन करना है, तो ब्राउजर पर रन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को सेव क्या करना पड़ेगा, अभी जो मैंने लिखा है ना इसको सेव करना पड़ेगा ना। अब देखो ऊपर देखो यहाँ पे देखो आप साइन दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो डॉट डॉलर का साइन आ रहा है, डॉट का सबको दिख रहा है, देखो मेरा कर्सर देखो ऊपर सबको साइन दिख रहा है, बुलेट वाला एक गोल गोल सा आ रहा है डॉलर, सबके में आ रहा होगा, सबके में देखो आ रहा होगा, आ रहा है देखो सबके में, मेरा कर्सर आप देख सकते हैं आ रहा है ना, वॉइस ब्रेक हो रही है बाकी लोगों को, अच्छा बाकी लोगों को सब बताएं नहीं हो रही ना, तो फिर जिसका हो रहा है उसको नेट दिक्कत दे रहा होगा, अगर सबको मेरी वॉइस ब्रेक होगी ना तो मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, अगर एक को हो रही तो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बुलेट वाला साइन सबके में आ रहा होगा, तो इसका मतलब जानते क्या होता है कि ये फाइल आपकी सेव नहीं है, ठीक है। तो ब्राउजर पे जब भी आप रन करना चाहोगे ना तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले सेव कर लो फाइल को, अगर मैं सेव नहीं करूंगा ना तो जो मैंने लिखा है दिखेगा नहीं, तो पहले हमें क्या करना होगा कंट्रोल एस से सेव कर लो। देखो जैसे मैंने सेव किया कंट्रोल एस दबा के, सब जानते हो ना कंट्रोल एस, तो देखो अब देखो यहाँ पे साइन किसका आ गया, क्रॉस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ ये फाइल हमारी सेव हो गई, ठीक है। अब रन कैसे करेंगे ब्राउजर पर, राइट क्लिक करना होगा, ये लिखा है ओपन इन ब्राउजर, ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक कर दो, क्लिक करेंगे तो ये लिख के आगे हेलो, ठीक है। आप लोग भी राइट क्लिक करो ओपन इन ब्राउजर, हो गया, बाकी लोग भी ट्राई करें, और जो लोग बीएस कोड पे काम कर रहे हैं सब लोग सुन लें, बीएस कोड पे भी आप लोग इस तरीके से फाइल पे जाकर ओपन फोल्डर कर लेना, क्योंकि सारी फाइलें आपकी फोल्डर के अंदर ही सेव होनी चाहिए, ठीक है। जो वीएस कोड पे भी काम कर रहे हैं वो फाइल पे जाके ओपन फोल्डर कर लेना, हाँ सब कुछ कर लेना, हाँ फिर बाद में बोलो हाँ जी
फाइल को सेव करो, फाइल सेव करके तब करो ओपन ब्राउजर, और राइट क्लिक करो ओपन ब्राउजर करो आएगा। कंट्रोल एस से पहले फाइल सेव कर लो, फाइल सेव कर रखी है। किस पे काम कर रहे हो, वीएस कोड पे कि सबलाइम पे काम कर रहे हो? मैंने आपसे पूछा कि आप क्या सीख रहे हो, आप बोलोगे वेब डिजाइनिंग करना सीख रहे हैं। वेब डिजाइनिंग से आप क्या बनाओगे, आप लोग कहोगे हम वेबसाइट बनाएंगे। फिर वो पूछेगा कि वेबसाइट किससे बनेगी, तो आप क्या बोलोगे सामने वाले को कि हमारी वेबसाइट HTML और CSS से बनेगी। फिर वो पूछेगा कि HTML क्या होता है, तो बताओ क्या बताओगे आप लोगों से। और ठीक है बढ़िया, और रोहित, अब रोहित और कहता, और कोई रोहित के अलावा और कोई बताएगा HTML व्हाट इज HTML क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, अरे बोलना सीखो। और कोई, हाँ हाँ बोल बोल बोल, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बोला करो, चुपचाप रहोगे तो नुकसान आपका है। अरे गलत सलत बोलो, बोलने में तो पाबंदी है, तो आंसर सबको पता है उसका, आप बोलोगे नहीं तो आपको बोरियत फील होगी, है ना। बताएं HTML क्या होता है, तो माइक सही करा लो, लैपटॉप में देखो माइक की प्रॉब्लम आ रही होगी तुम्हारे में। और क्यों बताएगा अमन, हाँ ठीक है। देखो कुछ तो, देखो कुछ तो बोलो, जैसे राहुल ने बोला, तो मैं राहुल की मुझे आवाज़ की समझ लगी, राहुल है। आप चुपचाप से बैठ रहे हो, कुछ बोलोगे नहीं तो क्या मालूम पड़ेगा। चलो माइक बंद कर लो राहुल। राजकुमार क्या होता है HTML, ठीक है। और कोई बताएगा, हाँ वेबसाइट क्रिएट करना होता है। पूजा बताएं, पूजा पूजा आवाज आ रही है आपको मेरी? नमन मित्तल, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो बता क्यों रहे थे अपने आप से, सही तो आया था, सही तो आया तुमने। और क्यों बताना चाहेगा अपने मन से, अंकुश हर्ष हर्ष जैन आप बताना चाह रहे हो, हर्ष जैन, कोई और बताने वाला उम्मीदवार? चलो कोई नहीं, देखो बताना सीखो, बोलना सीखो, है ना। देखो जैसे मैं किसी ने आपसे पूछा कि आप HTML से क्या होगा, तो सिंपल सा है कि HTML से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे कभी आपने घर बनते हुए देखा है, आपके अड़ोस पड़ोस में घर बनते हैं, देखना कभी मल्टी बनते हुए देखी आपने, है ना। तो मान के चलो आपके पड़ोस में घर, आपको खुद का घर बनना होता है आपके पड़ोस में, तो आप उस घर में कब जाके शिफ्ट होते हो, है ना। जैसे आपके पास कोई फोन आता है, अरे आप तुम अपने घर में शिफ्ट नहीं हुए, तो आप क्या कहते हो, अरे थोड़ा घर में फिनिशिंग चल रही है, अभी काम चल रहा है। तो बोलता है अरे घर बन तो गया, आपको बोलता है दोस्त साहब घर बन तो गया, अरे नहीं अभी नहीं, अभी काम चल रहा है, उसमें लाइट फिटिंग हो रही है, फर्नीचर लग रहा है, उसमें टाइल्स लग रहे हैं उसमें अंदर। और दोस्त बोलता है घर बन तो गया, तो आप उससे क्या कहते हो कि भैया एक स्ट्रक्चर बन गया अभी। तो देखते हो मल्टियाँ बनती हैं, जो बन रही होती हैं, घर बनने होते, वो एक स्ट्रक्चर बनते हैं। HTML से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, एक लेआउट तैयार होता है। अब उस लेआउट को जो डिजाइन देते हैं, जैसे मकान बनता है, मकान को आप डिजाइन किससे देते हो, सीमेंट कराते हो, पेंट करते हो, है ना, पुट्टी करते हो, टाइल्स लगाते हो, वो सारा काम किससे होता है, CSS से। CSS मतलब ब्यूटी पार्लर, सिंपल सा एग्जांपल है, CSS क्या है, ब्यूटी पार्लर है, एक डिजाइन वाला काम सारा, समझ आ गया। HTML से क्या होता है, HTML से एक स्ट्रक्चर होता है, और CSS से हम उसको डिजाइन देते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर बिना CSS के हम वेबसाइट डिजाइन कर लेंगे, बताओ सिंपल लगेगी ना, बिल्कुल बेकार सी, है ना, लगेगी बेकार सी। तो CSS का काम मतलब, जैसे अभी आप लोग बैठे हो, जैसे मांगे चलो शाम को आपको पार्टी में कहीं जाना है शादी आदि में, तो आप लोग क्या करते हो अपने ऊपर, CSS वाला काम करते हो, समझ आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, जो आपको अच्छे सीखना है, वो है CSS। क्योंकि आप लोग क्या सीख रहे हो, वेबसाइट डिजाइन करना, वेब पेज डिजाइन करना। आप स्ट्रक्चर तो बना लोगे, लो बन गया, अब डिजाइनिंग नहीं कराएगी अच्छे से, तो कैसे उसमें फिनिशिंग दे पाओगे, दे ही नहीं पाओगे।
तो क्लियर हो गया। वो पूछेगा कि एचटीएमएल से क्या होगा, सीएसएस से क्या होगा, आप उसको आसानी से बता दोगे कि एचटीएमएल से हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और सीएसएस से हम उसके अंदर डिजाइन देते हैं, दोनों जरूरी हैं एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है, चलो आओ। अब देखो हमने आपको एक स्ट्रक्चर बनवाया, ठीक है, मैं लिखा एचटीएमएल, एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा होगा सबके सामने, तो अब हम समझते हैं पूरा स्ट्रक्चर क्या है ये, ठीक है। अब देखो सबसे लाइन नंबर एक पे लिखा है डॉक टाइप एचटीएमएल, दिख रहा है सबको? इसका काम पता क्या है? इसका काम सिर्फ इतना है कि जो हम टैग यहाँ लिखते हैं ना, जो टैग हम इस पे लिखेंगे कुछ भी, जो इसमें आप टैग हमें लिख रहे थे अपने H1 H2 लिखते हैं ना, ये टैग कुछ लिखते हैं, इसका काम सिर्फ इतना होता है, ये ब्राउजर से कहता है भाई देखो ये टैग है एचटीएमएल के, इनको आप रन कर दो, बस इसका काम इतना सा है। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा ना तब भी हमारा टैग चलेंगे, हाँ तब भी हमारा टैग चलेगा, ठीक है। क्या हुआ था जब स्टार्टिंग में, क्या हुआ था जब ब्राउजर अपडेट नहीं थे तब ये जरूरत पड़ती थी इसकी, अब इसको नहीं लगाओगे तब भी काम करेगा। इसका मेन काम क्या है कि ये ब्राउजर को से बताता है कि भाई देखो ये टैग है एचटीएमएल के, इनको आप रन कर दो, बस हमारी कहानी स्टार्ट होगी यहाँ से हमें सुनना है। अब देखो सिंटैक्स कैसे पढ़ते हैं, एचटीएमएल स्टार्ट हेड स्टार्ट, जो मेटा को मैं कुछ देखिए हटा देता हूँ, इसको समझाऊंगा मेटा को अच्छे से भी आगे। ये सिंटैक्स आपका आ गया, ये हटा देता हूँ सिंपल सा, ये हमारा सिंटैक्स चलता है। देखो अब आ रहे हैं कौन कौन, भगवान जाने क्या होगा इनको। देखो तो एचटीएमएल स्टार्ट हेड स्टार्ट टाइटल स्टार्ट टाइटल एंड, देखो जो स्लैश दिख रहा है स्लैश एंड वाला, ये होता है एंड का साइन। तो अब क्या पढ़ोगे, एचटीएमएल स्टार्ट हेड स्टार्ट टाइटल क्लोज हेड क्लोज बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज एचटीएमएल क्लोज। चलो बोल के दिखा कोई एक बंदा फिर से, हाँ ठीक है, और कोई, हाँ बताइए, हाँ बढ़िया वेरी गुड, और कोई बताएगा बैच में और कोई है, क्लोज बॉडी कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है, हाँ कुछ भी कह दो, है ना, सिंपल है, एस्टीमेट स्टार्ट हेड स्टार्ट टाइटल स्टार्ट टाइटल क्लोज हेड स्टार्ट बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज, है ना। अब देखो अब बात करते हैं, देखो अब देखो जो टैग स्टार्ट हुआ है, देखो सारा काम किसके अंदर हो रहा है, एस्टीमेट स्टार्ट और एस्टीमेट एंड के अंदर है, सारा टैग इसी के अंदर है, देखो आप लोग सब देख सकते हो, देखो एस्टीमेट स्टार्ट हुआ एस्टीमेट एंड हुआ, तो मैं सारा काम किसके अंदर करना है, इस एस्टीमेट टैग के अंदर। अब आता है हेड टैग, अब इस हेड टैग का क्या रोल है, अब हेड के अंदर आपको दिख रहा होगा टाइटल, तो मैं इस टाइटल में लिखता हूँ फेसबुक, देखा फेसबुक। अब मैंने क्या किया, ब्राउजर पे इसको सेव किया, ब्राउजर पे चलता हूँ, रन किया, अभी कोई मेरे साथ, हाँ एक पॉइंट, एक गलती और आप लोग करते हो, मेरे साथ कोई नोट नहीं करेगा, जो हम लोग करते हैं ना गलतियाँ स्कूल कॉलेज में, नोट नहीं करना, फिल्म चल रही है आपको सामने, फिल्म आप तो फिल्म बस देखो, मैं जब बोलूँ तभी नोट करना, अगर आप मेरे साथ नोट करोगे ना तो हमें चीज़ें क्लियर क्यों नहीं होती पता है, जैसे आप मेरे साथ नोट कर रहे होगे। अब मैंने कहा कि देखो टाइटल से क्या होता है, मैं बोल गया और आप तो नोट करने में लगे, तो वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, पहले समझो फिर नोट करना, ठीक है। अब देखो अब टाइटल कहाँ से हो रहा है, दिख रहा है ऊपर, ये क्या होते हैं टाइटल, ये क्या होते हैं टाइटल। अब जैसे मैं अभी फ्लिपकार्ट ओपन करूँ, फ्लिपकार्ट यहाँ पे देखो अभी ऊपर टाइटल आपको दिखेगा, इस पर आया मैंने एंटर दिया, देखो जी पा रहा है, ये कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल, ये क्या होते हैं टाइटल। ऐसे में अमेजोन ओपन करूँ तो इनको हम बोलते हैं टाइटल, जो ऊपर जो सो रहे, देखो हमारे सबसे पहले यहीं तो जाती है ऊपर, देखो ये टाइटल होते हैं, देखो अब देखो टाइटल के बगल में देखो यहाँ पे, देखो जैसे आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया तो यहाँ पे देखो एक इमेज आ रही है, इमेज ये इमेज देखो अपने में क्या आ रही है, एक पृथ्वी सी आ रही है गोल सी, है ना, इनके में देखो इमेज आ रही है, इसको बोलते हैं फेविकोन आइकन, फेविकोन है ना, इमेज ही बोलते हैं, वैसे इमेज होती है, नाम इसका होता है फेविकोन आइकन, ठीक है। जब लगाना सीखेंगे सब, जैसे अपने में पृथ्वी आ रही है ना तो अपने में इस तरीके से आएगा, देखो अमेजोन पे जाओगे तो अमेजोन में आ रहा है, देखो सब लैम्प पे सब लैम्प पे, देखो गूगल मीट पे गूगल मीट पे आइकन आ रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेविकोन आइकन बोलते हैं, अभी लगाना सीखेंगे। तो टाइटल समझ में आया, हेड के अंदर क्या यूज करते हैं टाइटल को, और हेड के अंदर क्या यूज करेंगे आगे चल के, सी एस एस जावास्क्रिप्ट और मेटा, अभी आया था ना मेटा टैग, वो यूज करेंगे, अभी समझाऊंगा धीमे धीमे। हेड के अंदर हम लोग क्या क्या यूज करेंगे,
CSS, JavaScript और Meta Tags यूज करेंगे, और बाकी सारा काम वेब पेज बनाने का वो हम कहां करेंगे, सारा काम मोटर ठीक है ना, मेटा का यूज करेंगे हेड के अंदर, अभी आगे चल के ठीक है, और बाकी सारा काम किसके अंदर करेंगे हम लोग, बॉडी के अंदर। बात समझ में आई सबको, हेड में क्या काम होंगे, टाइटल वाला, सीएसएस वाला, जावास्क्रिप्ट और मेटा। अभी टेंशन मत लो कि मेटा टैग क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, सब समझाऊंगा धीमे धीमे ठीक है। अभी तो हम क्या समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि किस में क्या क्या होगा, बाकी पूरा वेब पेज वाला काम किसके अंदर करोगे, बॉडी के अंदर। तो अब आपको लग रहा होगा शायद ये मेरा तरीका है काम करने का या मेरा तरीका है सिखाने का, ये सिंटैक्स के अंदर, ऐसा तो नहीं सर सरी जैसा कोड करते हैं सिंटैक्स के अंदर लिखने का। तो चलो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखा है फ्लिपकार्ट, सबने शॉपिंग की होगी खूब आराम से, अब देखते हैं कि इन्होंने भी यही तरीका यूज किया है क्या, फ्लिपकार्ट ने, अमेजॉन ने, सब लोगों ने। तो राइट क्लिक करते हैं हम, स्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब एक चीज देखो सब लोग, यहाँ पे जो स्पेक्ट एलिमेंट दिख रहा है ना आप सबको, ये एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशंस, ये सब हम लोगों के लिए हैं, हम डेवलपर के लिए, जानते हो ये हम डेवलपर के लिए चीजें बनी गई हैं, यहाँ से हमारा काम बड़ा आसान होता है ठीक है ना। अभी सीखोगे आगे चल के धीरे धीरे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये देखो क्या लिखा ऊपर, जे फ्लिपकार्ट का एचटीएमएल कोड है, फिर लिखा है एचटीएमएल हेड स्टार्ट हेड एंड, बॉडी स्टार्ट बॉडी एंड, एचटीएमएल एंड, दिख रहा है सबको, ऐसा नहीं मेरा तरीका है, देखो सब लोग ये तरीका यूज कर रहे हैं। अब देखो हेड को ओपन करूं, हमने आपसे क्या बोला था हेड में हम क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पे लगा है स्टाइल सीएसएस लगी है, देखो मेटा लगी है, मेटा देखो मेटा दिख रहा है मेटा सबको, देखो मेटा, देखो मेटा लिंक्स लगी है, देखो लिंक्स ये इमेज लगी है, देखो मेटा लगे यहाँ पे, और नीचे आते जाओ देखो स्क्रिप्ट लगी है, स्क्रिप्ट देख लो सब लोग, स्क्रिप्ट सब देख लो, और देखो टाइटल, ये देखो टाइटल, देखो टाइटल आ रहा है, देखो ऊपर देखो सेम टाइटल, देखो ऊपर जो दिया, देखो दिया, देखो सेम टाइटल नीचे, सब देख लें। और फिर इसके बाद सारा काम किसके अंदर करेंगे, बाकी काम देखो, ये देखो स्क्रिप्ट चल रही है, बाकी सारा काम किसके अंदर होगा, हम यहां से इसको बंद कर देते हैं, बॉडी के अंदर, ये हेड बंद किया, बाकी सारा काम देखो बॉडी के अंदर, देखो दिख रहा है डिप बने हैं, डिप दिख रहा है आप लोगों, तो सारा काम बॉडी के अंदर हो, दिख रहा है सबको। अब अमेजोन देख लो, ऐसा नहीं कि हम ही ये कोड कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपको फ्लिपकार्ट के अमेजोन के कोड समझ में आने लगेंगे। अब फ्लिपकार्ट अमेजोन देख लो, देखो डॉक टाइप एचटीएमएल ऊपर से चलते हैं, देखो डॉक टाइप एचटीएमएल हेड वन, देखो बॉडी बन, दिख रहा है सबको सेम सिंटैक्स, देख लो हेड स्ट्राइड ओपन किया, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मेटा लिंक्स लिंक्स, देख लो स्क्रिप्ट, देखो दिख रहा है स्टाइल, देखो जो लगी सीएसएस स्टाइल लगी सीएसएस में, स्टाइल स्क्रिप्ट टाइटल, देखो ऑनलाइन शॉपिंग साइट इंडिया, देखो दिख रहा है। तो समझ में आ गया इतना कि ये सिंटैक्स जो है वो सभी लोग यूज करते हैं, इतनी बात क्लियर हो गया किसी को, बाकी लोगों को। चलो तो चलो कोड करना चालू करें, है ना। देखो हमें जो सिखाऊंगा ना वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी, कैसा नहीं हम ही कर रहे हैं, हम लोग क्या सीख रहे हैं वेब पेज बनाना, तो थोड़ी तो पढ़नी नहीं है कुछ भी, हमें जो भी काम करना है प्रैक्टिकल करना है हाल के दिखाते जाऊंगा, देखो ये भी ये काम कर रहे हैं, ये भी ये काम कर रहे हैं, फिर तो हमारे वेब पेज बनेंगे। चलो आप सब माइक बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, अब सब माइक बंद कर ले, माइक जिसका माइक ऑन हो ना, अब मैं अब समझो ठीक है, अब समझना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला टैग हमारा कौन सा होता है, हेडिंग टैग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टैग होता है ना हमारा होता है हेडिंग टैग, देखो H1, अब इसे देखो कोई नोट नहीं करेगा ठीक है, पहले मैं समझा दूं आपको फिर आप नोट करना अच्छे से, है ना, अभी कोई नोट मत करना, जल्दी नहीं आराम से नोट करो, आराम से नोट करना, सर क्लास छूट जाएगी तो आराम से नोट करेंगे हम। H4, H5, देखो H6, H1 से लेके H, देखो जो ओपन टैग होता है जो क्लोज हो गया, देखो H, देखो जो टैग स्टार्ट हुए वो टैग बंद हो रहे हैं, देखो आप यहाँ पे
एच टू स्टार्ट हुआ तो एच टू क्लोज हुआ, है ना। तो एच वन से लेके एच सिक्स तक ये हमारे क्या होती है, हेडिंग टैग होती है, ठीक है। अब इनको मैं सेव करूंगा। अब देखो मैं जब मुझे ब्राउजर रन करना होगा तो मुझे जो मैं लिखा है इसको सेव करना पड़ेगा ना। सेव किया, राइट क्लिक किया, ओपन ब्राउजर। अगर मेरा पहले से ब्राउजर पर अगर ओपन है तो मैं इसी को जाके रिफ्रेश कर दूंगा। देखो अब बताओ क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को, बताएं सब लोग। हाँ समझ में आ गया। एच वन मतलब सबसे बड़ा, एच टू उससे छोटा, एच थ्री और छोटा, एच फोर और छोटा, एच फाइव और एच सिक्स और छोटा। तो ये देखो आपको दिख रहा है ना, हेडिंग दिख रहा है, देखो हेडिंग टाइप की डार्क डार्क दिख रही है। तो ये हमारे होते हैं हेडिंग। जैसे बुक्स पढ़ते हो ना, बुक्स में एक हेडिंग होती है और एक क्या होता है पैराग्राफ टैग होता है। बिल्कुल देखो बेसिक चल रहा है। देखो एक होता है क्या, मैं इसको बता के पैराग्राफ, देखो एक होता है पैराग्राफ टैग, इसको हम किससे शो करते हैं, पी से। जैसे बुक पढ़ते हैं ना, बुक में क्या होता है हमारी हेडिंग होती है, हमारे पैराग्राफ होते हैं, है ना। देखो ये सेव किया तो जी आपके सामने आ गया पैराग्राफ। देखो जा रहा है पैराग्राफ, पी से क्या आता है पैराग्राफ आता है। तो एच वन से लेके एच सिक्स तक हमारी हेडिंग टैग होती हैं और पी से होता है पैराग्राफ। अब आप सोचोगे इतनी सारी हेडिंग का यूज कैसे होगा, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मान के चलो आप एक वेबसाइट बना रहे हो किसी क्लाइंट की, सोच के चलना। तो अब आपने एक वेबसाइट बनाई तो आपने क्या किया, क्लाइंट की हेडिंग ले ली, यहाँ पे लिख दिया आपने आई टी एम कॉलेज, बंद कर दिया, और एक पैराग्राफ ले लिया क्लाइंट के लिए, ठीक है। मान के चलो आप कोई कॉलेज के लिए टास्क कर रहे थे, ठीक है, कॉलेज के लिए आपने बना रहे छोटा सा प्रोजेक्ट, बिल्कुल बेसिक सा, इससे कंसेप्ट समझ आएगा आपको पूरा, दो तीन चीजें इससे क्लियर हो जाएंगे। अभी देखो इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, इसको कॉपी कर लिया जैसे, हाँ मैं कॉपी पेस्ट कर दिया है ना बस, ठीक है, कुछ नहीं किया। अब मैं इसको ब्राउजर पर रन किया, ठीक है। अब मैं न्यू फाइल पे जाऊंगा, सेव कर दूंगा। तो अभी आपको दिख रहा होगा मेरे, सबको दिख रहा है, चलो अब यस सर किसने बोला था, वो नाम बताना किसने, हाँ रोहित। चलो अब मान के चलो सब लोग ऐसा गैस करते हैं, रोहित ने ये काम किया, मान के चलो रोहित ने ये काम किया अपने कॉलेज वालों के लिए, ठीक है। कॉलेज वालों कहा था कि मेरे एक छोटे सा वेबसाइट बना देना, उस वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड कर देना। तो रोहित ने क्या किया, ये बना ली वेबसाइट, मान के चलो सिंपल सी थी और कंटेंट अपलोड कर दी। हाँ जी बोलो, हाँ बोलो 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 क्या तुम्हारी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। हाँ बोलो बोलो बोलो, ये कॉपी पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट यहाँ पे देखो, ये देखो जी लिखा है ना, ये इसको कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे, दिख रहा है कहाँ चला गया वो, ये कॉपी पेस्ट किया है बस हमने सिंपल, ठीक है। हाँ चला गया वो, नेटवर्क दिक्कत दे रहा होगा, चलो उसका। हाँ तो क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ क्वेश्चन ये था कि रोहित अपने सर को दिखाने गया कि सर देखिए मैंने आपके लिए ये इतना काम कर दिया, सही लग रहा है क्या। सर ने देखा, सर ने कहा अरे रोहित तुमने जो हेडिंग कुछ छोटी सी कर दी है, थोड़ा और बड़ी कर देना नेक, है ना। अब मान के चलो रोहित ने 100 हेडिंग बना रखी हो तो अब रोहित कितना परेशान होगा। तो जब भी हम वेबसाइट पे कुछ भी काम करते हैं ना, तो हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं, समझ आया। जैसे मान के चलो आपके घर में शादी है, तो आपके घर में हलवाई वाला आता है, आता है हलवाई वाला आता है, डेकोरेशन वाला आता है, वो आपसे बोलेगा रसमलाई बनवा लो, तो आप क्या, पापा क्या कहते हैं, नहीं नहीं भैया बजट नहीं हमारा, आप रसगुल्ले बनाओ। डेकोरेशन वाला आता है, वो कहता है अरे चलो लगवाओ स्टेज बेहतरीन 5 लाख की, आप बोलते नहीं नहीं ये बनाओ, है ना। कि ऐसा होता है कि डेकोरेशन वाला अपने अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देगा, हलवाई अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, घर अपने अकॉर्डिंग के बनता है। हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे ये कॉपी पेस्ट को, अरे कॉपी पेस्ट किया है, कहाँ रहते हो ये देखो, दिखे ना कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट, ठीक है चलो। हाँ अब देखो सब लोग, हाँ तो अब मान के चलो जैसा आपका घर बनता है तो मिस्त्री आता है, आप एक मिस्त्री को जमीन दिखा दो और मिस्त्री से बोलो भाई घर बनाना चालू कर दो। अब अगर मिस्त्री अपने अकॉर्डिंग घर बनाना चालू कर देगा,
अब कुछ टाइम बाद वो घर तो बेकार लगेगा जब बना रहा होगा, बोले अरे अरे जी क्या कर दिया, यहाँ पे तुमने हॉल नहीं रखना था, यहाँ पे किचन बनानी थी। कहोगे नहीं कहोगे मिस्त्री से? तो मिस्त्री पहले क्या बोलता है, भैया नक्शा दिखाओ पहले आप कि कैसे बनवाना चाहते हो। हलवाई आपको डिजाइन दिखाता है, आप उसको पास करते हो। तो रोहित ने क्या किया, सर का ये काम बिना पूछे कर लिया। अब सर ने कहा कि भाई रोहित हेडिंग बहुत छोटी है, इनको बड़ा करो। तब रोहित ने कहा ठीक है सर चलो करते हैं क्या। फिर रोहित ने क्या किया, H1 लगा दिया। अब देखो सर को नहीं पता H1 H2 क्या होते हैं, ठीक है ना, सामने वाले को, वो तो आप दिखाएगा। तो बोलेगा अरे जी तो और बड़ा हो गया, अरे थोड़ा छोटा करो। तो रोहित ने अब क्या किया, रोहित ने H3 लगा दिया। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? देखो बोलेंगे अरे ये तो थोड़ा छोटा हो गया, एक काम करो पहले वाली कर दो जो तुम्हारा पहले था। तो रोहित ने H2 लगा दिया। मतलब समझ आ रहा ना हेडिंग का ना, वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। बोलेगा नहीं जी तो बड़ा लगने लगा, तुम एक काम करो वो H3 वो कर दो, H3 वाला जो था वो नहीं जानता H3 क्या होता है। तो उसने क्या बोल दिया कि तुम्हारा H3 ठीक है, वो नहीं जानता H3 क्या होता है। बोलेगा आप दिखाओ, बोलेगा चलो यही कर लो ये ठीक है हेडिंग। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सारी हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी क्यों सारे लोग है ना। तो इससे अच्छा क्या होता कि मैं भाई क्लाइंट से पहले एक हेडिंग रख के पूछ लेता कि सर देखो हेडिंग सही है। रोहित ने क्या किया, 100 हेडिंग का पूरा काम कर दिया। तो जब भी वेबसाइट बनाओ तो सामने वाले क्लाइंट से पूछ लो कि सर क्या कलर रखना है, क्या फॉन्ट रखना है, क्या फॉन्ट फैमिली रखनी है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा काम होता है। ठीक है, तो अब मैं देखो इसी को कॉपी कर रहा हूँ। सब देखो जो मैंने अभी कॉपी किया था, ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब रोहित ने फिर दिखाया सामने वाले क्लाइंट को, सर को दिखाया कि सर अब ठीक है। उन्होंने कहा हाँ अब ठीक लग रहा है। तो अब उनके सर पता क्या बोले, अरे रोहित एक काम करो, एक काम करो, एक बीच में हेडिंग लगा दो है ना, बीच में एक हेडिंग लगा दो। तो रोहित ने कहा ठीक है सर चलो अभी लगा देता हूँ। तो रोहित बीच में यहाँ पे आया, एक सेंटर टैग लगा दिया। देखो अभी नोट नहीं करना, समझो फिल्म चल रही पूरी। H1 लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया मांगे चलो हेलो, कुछ लिख दिया अपन ने हेलो दिया, तो हेडिंग बीच में आ गई। रोहित ने कहा सर देख लो हेडिंग। तो रोहित सर बोले एक मिनट रुको मैं अपने सर को दिखा के आता हूँ। अब रोहित ने अब उनके सर दिखाने गए अपने प्रिंसिपल को, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक तो लग रहा है, एक काम करो इसका जो फॉन्ट साइज और बड़ा करो। भाई थोड़ा ब्लैक एंड वाइट क्यों लग रहा है, इसको कलर करवाओ, हेडिंग को अलग कलर करवाओ, पैराग्राफ का कलर अलग करो और इसका कलर अलग करो। ठीक है, प्रिंसिपल ने कहा सर से। अब सर ने जब बात रोहित से बोल दी कि रोहित जे हेलो ग्वाले लिखा है ना जी हेडिंग, पहले तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दो, सर को अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब रोहित के मन में क्या आएगा, अरे सर ने तो कहा था कि H1 सबसे बड़ा होता है, अब इसको कैसे बड़ा करूंगा, है नहीं, सर ने कहा था H1 सबसे बड़ा है, तो अब ये बड़ा हम किससे करेंगे, CSS से। तो अभी जो आप और ये कलर किससे देंगे अपन इसके अंदर, CSS से। तो अभी जो आपके सामने क्या दिख रहा है, ढांचा, पॉइंट समझ आ गया जी, क्या दिख रहा है सबको, HTML से क्या बनता है, स्ट्रक्चर, जो पॉइंट था ना हमारा स्टार्टिंग में, HTML से क्या बनता है, स्ट्रक्चर। सर ने क्या बोल दिया, फॉन्ट साइज बड़ा करो, कलर दो उसमें के अंदर, वो उससे खुश नहीं हो रहे। तो अब क्या लगानी पड़ेगी इसके अंदर, CSS। तो बात समझ आ गई, HTML से क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है, और CSS से हम क्या करेंगे उसके अंदर, डिजाइन स्टाइल देंगे। तो पिक्चर क्लियर हो गई इतनी, जो कहानी सुना रहा था आप लोगों को मैं। अब पहले नोट करो, इतना अब नोट करो, ठीक है, अब नोट।